जा रहे हो? मेला घूमने के लिए जा रहे हैं। अच्छा चलो आप लोग भी रेडी हो जाओ फटाफट। हाँ जब अपनी टिक्की खिलानी हो हमें, ठीक है? मेले में जलेबी, टिक्की और लाल जलेबी। लाल जलेबी ओके, और टिक्की और आपको चाउमीन वगैरह मिलेगा। माल्टे खाएंगे पहले, सबसे पहले जाते हैं। ठीक है भाई, अपनी ड्रेस तो दिखाओ मौसी को। वाओ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। बोलो रिया, रिया रिया मौसी जल्दी आओ, हम वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है ओके भाई, आज जा रहे हैं हम सुबह सुबह 8 बजे बड़े वाले काले। हाँ। और आ जाएंगे हम अपनी गाड़ियों से, रोड है वहाँ नीचे, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है, वहाँ से जाएंगे हम आज गाड़ी में मजे मजे। अब मेरे वहाँ जहाँ पे मेला होता है वहाँ के नीचे तक रोड है, वहाँ से हम थोड़ा पैदल जाएंगे, वहाँ पे जलेबी जलेबी चाउमीन चाउमीन खाएंगे, माल्टे मुल्टे लेंगे, मस्त होके हंसते गाते। आज हम फ्री है, माता के सबसे पहले माता के दर्शन, माता में मत्था टेकेंगे, उसके बाद एंजॉय करते हुए वहाँ से नीचे जाएंगे। ओके, और यहाँ से हम कल फिर आके मटन खाएंगे, फिर आके मटन खाएंगे, मटन खाएंगे। अरे वाह, नहीं बेटा रात को ना, ये बच्चे हम तो नहीं खाते। ये मिठाई है, बहुत टेस्टी मिठाई है, जो भी खाना चाहता है खा सकता है, खा सकता है। बढ़िया तालियां। दोबारा मुल्ला जी, कौन है मुल्ला जी? अच्छा लगे अब है ना, लगता पहले येलो कलर पहन के आओगे, येलो कलर की। अरे ये स्वाति जी, हाँ ये बहुत प्रफुल्लित हो रखी है, ये गढ़वाल के माल्टे। और अभी हम रास्ते में जहाँ पे इसकी खाने की इच्छा करेगी वहाँ पे मैं तब खाऊंगा। जो बिटिया है वो बना रही है मुल्ला भाई, हमारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ के नहीं खड़े होके चलो। हाँ क्या पूछना है? संस्कृति है हमारी, संस्कृति विरासत है हमारी, प्राचीन संस्कृति विरासत है। हाँ। जिसमें हमारे दैविक लोग, हाँ। जो रावण के पास गंधर्व विद्या थी वो विद्या है। हाँ। इससे भगवान जब शिव जी अपने, शिव भगवान जब अपने मतलब योग में होते थे, उनको जगाना मुश्किल होता था, तब रावण क्या करता था, गंधर्व विद्या के द्वारा शिव को जगाता था। तो ये वही विद्या है कि जो देवते सोए भी होते ना वो इससे जाग जाते। अरे वाह तालियां, बजा के दिखा दो आप इसी खुशी में तालियां। ये
जाता था, अब निशान जा रहे हैं। हमारे हथियारों के जो है ये निशान जा रहे हैं, हमको बड़ी खुशी हो रही है। हमारे बाबा दादा ये जो भी है भगवती है, अच्छा भगवती हमारे जो हाँ। जो दादा जो मंज भोग है वो मंज घोषित देवी है, खैरालिंग मंज भोग है। ये सात देवियाँ होती है, सात देवियों का एक भाई होता है खैरालिंग, जो कि शिव भगवान होता है। खैरालिंग पे खैरालिंग इनका जो भाई खैरालिंग होता है, तो मंज घोषित जो खैरालिंग मंज भोग देवी है उसके नीचे खैर का पेड़ है, हाँ। जिस पे पहले बागी के छींटे लगाए जाते थे या निशान को रखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सात भाइयों का एक, सात बहनों का एक भाई होता है, वो होता है शिव भगवान, रुद्र अवतार होता है। सात जो देवियां हैं इनमें से सबसे पहले धारी देवी, दूसरा हो गया मंजभोग, तीसरी हो गई चंद्रवंदनी, भुवनेश्वरी और सुरकंडा जी माँ नहीं, खैरालिंग इनका भाई है, जो कि मुंडनेश्वर में इसका मेला होता है, कल का है मुंडनेश्वर में इसका मेला होता है, भाई का मेला वहाँ होता है। और सात महीने जो ये होती है ये मंज घोषित है, ये देवी है, बहुत प्रचंड देवी है, ये काली भी है। देखो एक ऐसा कभी ये मंज घोषित जो मंज वो खैरालिंग होती थी, इसमें एक एक हजार बागियां बिल्ले होते थे, भैंस के बच्चे होते थे बड़े बड़े, जिनको मद पिलाया जाता था, लाल मिट्टी से रंगा जाता था, जो काली का खप्पर होता था उसमें उसकी बलि देनी पड़ती थी, और बलि देते थे उसका टीका लगाना होता था माँ काली। मतलब जो ये बागी जो होते हैं, बेले जो होते हैं, ये कहते ये दैत्य है, ये दैत्य है। जब माता ने समरासुर भैंसासुर इन लोगों का, इन राक्षसों का, इन दानों का रक्त बीज, इन दानों का दैन संघार युद्ध, तो रक्त बीज को वरदान था ब्रह्मा से कि वो उसका मतलब जो खून जितना जमीन में पड़ेगा उतने और ज्यादा रक्त बीज पैदा होंगे। तब माता ने अपने आंख बंद की और शिव खैरालिंग भगवान को, शिव भगवान को ध्यान मगन किया, और खैरालिंग जो शिव भगवान है, शिव भगवान ने तब उसको अपनी योग शक्ति से बताया कि इसका जो तुम रक्त बीज को मार रहे हो, इसका खून जमीन पे नहीं पड़ना चाहिए। तब माता को काली का खप्पर दिया, जो आज भी वो खप्पर वहां पे है, जो वो कुंड है जहाँ पे बेले मारे जाते हैं, वो खप्पर है माता का। तो माता क्या करती है, जब वो माता ने उसको काटा और जितना भी ब्लड था उसका, जितना ब्लड यानी कि खून उसको पी लिया, जिससे कि रक्त बीज को उसने अंदर ही अंदर अपना समा दिया, और तब से रक्त बीज का दानव का दुष्ट जो दुष्टता थी सारी खत्म हो गई। जय भगवती माँ, जय भगवती माँ, ताली ताली। चलो बहुत बढ़िया बोला, मजा आ गया भैया, चलो मैं भी बना लिखा हूँ। बोलेंगे भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तालियां। हेलो हेलो मामा जी, नमस्ते मामा जी, कांडे की हिस्ट्री बता दो थोड़ी। कांडे की अगर पौराणिक अगर इतिहास देखा जाए तो बहुत सदियों से चला आ रहा है, और पहले जो कांडा का मेला होता था इसमें बताते हैं कि जो चंद्रवदनी है और ये कांडा की मंजघोष खैरालिंग है, ये दो बहनें थी, और ये नौ दुर्गा जो उनका एक अंश है ये शरीर का, और उस समय से यहाँ पर शिव यहाँ पे शिव भी है, खैरालिंग जो खैरालिंग मंजघोष बोलते हैं, और मंजघोष काली भी है, तो काली के साथ ही शिव भी है, शिव के साथ काली का ये पहला मेरे ख्याल से ऐसा कोई मंदिर है भगवती के साथ जहाँ पर की शिव की पूजा भी होती है और काली की पूजा भी होती है। बहुत पहले से हम लोगों ने देखा है, जब से हम ये कांडा का मेला देख रहे हैं, यहाँ पे पहले बलि प्रथा चलती थी जिसमें बागी की बलि चढ़ाई जाती थी और छोटे कांडे को बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। उसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में हमने भी स्वयं देखा है कि यहाँ पे बलि प्रथा चढ़ाई गई और बागी चढ़ाई गई, लेकिन धीरे धीरे
एक राणा जी हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी बड़ी प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा और उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने के बाद उनको एक इसका एक तरीके से अच्छा परिणाम मिला कि जैसे बूंगखाल की कालीन का और आपके काली मठ की कालीन का चंद्रवदनी और मंजगोज खराब है यहाँ पर उस समय से बड़ी प्रथाएँ बन गई और उसके बाद किसान के रूप में जो छक्कर होता है और एक अष्ट धातु का जो एक डंडा होता है फ्लैग उसमें लगाया जाता है छत्तर के रूप में आज मंजगोज खैरालिंग के ये मेला होता है उसका आयोजन किया जाता है और बड़ी धूमधाम से ये आयोजन होता है। मुख्य विशेष ये जो एक तरीके से पौराणिक और सामाजिक और जो हमारा पहले से जो पैतृक परिप्रेक्ष्य में जो चली आ रही बातें हैं उनके अनुसार ये है कि ये धणियों का मंदिर ज़्यादा माना जाता है। धणियों का मतलब जैसे बहू या बेटियां जो भी होती है जहां भी इनका ससुराल होता है उस समय उसके बाद वो अपने बच्चे के होने पर या उनके अच्छे भविष्य के लिए सुखद भविष्य के लिए उनका उनको मंजगोज खैरालिंग को एक बार भेटाना का मतलब एक बार उनके दर्शन करवाए जाते हैं और उसके बाद वो ये कोशिश करते हैं कि दोबारा उसको जल्दी से जल्दी वहाँ पर मंजगोज खैरालिंग के पास भेजा जाए। तो यही लगभग इसका इतिहास है। थैंक यू मामा जी, बहुत बढ़िया। मामा जी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तालियां। थैंक यू।